दोस्तों, अगर आपका फ़ोन बहुत ही स्लो चार्ज होता हो तो किस तरह से आप उसे केवल 10 मिनट में ही फुल चार्ज कर पाएंगे, इस वीडियो में यही जानेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपका फ़ोन एक घंटे, दो घंटे या तीन घंटे तक चार्ज होने में लेता है तो मैंने इस वीडियो में एक छोटी सी सेटिंग बताई है जिससे आप कर लेते हैं तो आपका फ़ोन ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में ही चार्ज होने लगेगा और हो सकता है उससे भी कम टाइम में चार्ज हो जाए। तो कैसे करते हैं इस सेटिंग्स को जानते हैं, लेकिन यह छोटी सी वीडियो होगी, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और हाँ, इस काम की जानकारी के लिए इस वीडियो को पहले लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए, मेन सेटिंग्स को जानने से पहले दो और इम्पोर्टेंट सेटिंग्स हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने बैटरी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा स्मार्ट चार्जिंग का। अगर आप इसे एनेबल कर देते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये आपकी हैबिट के अनुसार चार्जिंग स्पीड को कम या ज़्यादा करता रहता है। और इसमें क्या होता है कि 80% अगर हमारा मोबाइल चार्ज हो जाता है तो यह पूरा 100 दिखाता है, जिससे हमारी बैटरी लाइफ बढ़ जाती है। अब इसके नीचे आपको ये एक और ऑप्शन दिखाई देता है चार्जिंग लिमिट का। अगर आप इसे सिलेक्ट करते हैं तो 80% मोबाइल का अगर आपका चार्ज हो जाता है तो उसके बाद फ़ोन ऑटोमेटिकली चार्जिंग बंद कर देता है, चाहे फिर आपका मोबाइल चाहे पूरे रात या पूरे दिन लगा रहे, वो अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो चलिए, इसके बाद अपने मेन सेटिंग्स की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ आपको ये वाला ऑप्शन दिखाई देगा स्मार्ट रैपिड चार्जिंग का। इसको अगर एनेबल कर देंगे तो आपका मोबाइल सॉफ्टवेयर का यूज़ करके फुल स्पीड से चार्ज होने लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में ही फुल चार्ज हो जाएगा। अगर आपके मोबाइल में यह ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है तो हो सकता है अपडेट के बाद आ जाए। वैसे ओप्पो, रियलमी और वन प्लस के मोबाइल में तो ये पहले से ही ये होता है।